हातिम ताई। किसी ने हातिम ताई से पूछा, क्या दुनिया में आपसे बढ़कर भी कोई शख्स दिल का धनी होगा? उसने कहा, हाँ, एक दिन मेरे यहाँ 40 ऊंट ज़िबह किए गए थे और हर वाकिफ व नावाकिफ के लिए इजाजत थी कि आए और खाए। उसी दिन मुझे किसी जरूरत से जंगल में जाने का इत्तेफाक हुआ। मैंने एक बूढ़े को पीठ पर लकड़ियों का गुट्ठा उठाए हुए देखकर कहा, बड़े मियाँ, तुम हातिम ताई की दावत में क्यों नहीं जाते? आज उसके दस्तरखां पर एक मखलूक जमा है। उसने कहा, जो खुद कमा सकता हो वो हातिम का मोहताज क्यों हो? इंसाफ ये है कि हिम्मत में वो बूढ़ा मुझसे बहुत बढ़ा हुआ था। जमशेद का कुतबा। कहते हैं कि जमशेद ईरान के मशहूर बादशाह मरने से पहले एक चश्मे पर पत्थर का एक कुतबा नसब कराया, जिस पर ये अल्फाज कुनंदा कराए, इस चश्मे पर मुझ जैसे बहुतों ने दम लिया, लेकिन वो पलक झपकने में रुक सख्त हो गए। मैंने दुनिया बहादुरी और जोर से हासिल की, लेकिन इसको अपने साथ कब्र में न ले जा सका। जब किसी दुश्मन पर तुझे काबू हासिल हो जाए तो उसको न सता, उसकी शिकस्त ही उसके लिए काफी है। परेशान हाल दुश्मन का जिंदा रहना इससे बेहतर है कि तेरी गर्दन पर उसका खून हो। हिम्मत न हारो। एक आदमी चलते चलते बहुत थक गया और रास्ते में बैठकर रोने लगा कि मुझसे बढ़कर कौन मिस्कीन होगा जिसे सवारी की तौफीक भी नहीं। एक दाना ने सुनकर कहा, ऐ बदतमीज, क्यों ना शुक्री करता है? ये ठीक है कि खुदा ने तुझे सवारी की तौफीक नहीं दी, लेकिन उसने तुझे गधा भी तो नहीं बनाया कि लोग तुझ पर बैठकर सवार हों और बोझ ला दें। मौत से फरार। एक ऐसे आदमी ने जिसके हाथ पांव कटे हुए थे 1000 पाए तन खजूरों को मार डाला। एक साहिब बातिन का वहां से गुजर हुआ, कहने लगा, सुभान अल्लाह, ये कीड़ा 1000 पांव रखता था, लेकिन जब इसकी मौत का वक्त आ पहुंचा तो एक बेदस्तों पा के हाथ से न भाग सका।